हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनास कॉर्नर। मैं हूं मोना। गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, फिर से मैं लेकर आई एक और मेकअप लुक विद हॉट रेड लिप कलर। जी हाँ, ये एक पार्टी मेकअप है। आप लोग चाहें तो किसी भी गाउन के संग ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, या आपको अगर मेकअप करना पसंद है तो ये वीडियो भी आपके काम का होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसमें आपको दो तीन हेयर स्टाइल भी दिखा दिए हैं गाइज, और मैंने ये सारे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट यूज़ करें इस मेकअप को क्रिएट करने के लिए। तो गाइज, जिससे आप लोग हाई बन बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे लुक क्रिएट किया है। बहुत ही ईजी है। बस छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले फेस वॉश करने के बाद लगाएंगे टोनर। टोनर की जगह मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है, और इस तरीके से मैं टैप टैप करके इसको अपने फेस पे ऑब्जर्व होने दे रही हूँ। और इस टाइम देख लीजिए आप लोग कि मैंने इस तरीके से इसको पूरा टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे ऑब्जर्व कर लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो आफ्टर दिस आई विल यूज़ दिस अरोमा मैजिक का विटामिन सी जेल। यहाँ पे मैं इससे मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ अपने फेस को। मैं इसको एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पे, जो कि आप सब जानते हैं गाइस के मेकअप से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और वैसे भी मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, तो मैंने यहाँ पे लिप्स को भी कर लिया है मॉइस्चराइज़ विद लिप बाम, और मेरे लिप्स भी काफ़ी ड्राई हो रहे हैं इस टाइम। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। सारे प्रोडक्ट्स के नेम डिटेल जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आफ्टर प्राइमर आई एम यूजिंग नाउ MN BB क्रीम। जी हाँ, यहाँ पे मैं आज MN की BB क्रीम के साथ ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल BB क्रीम है और काफ़ी अच्छी है, और कवरेज भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो इस तरीके से पहले मैंने हाथ से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा वाइट लग रहा है, बट ये वाइट नहीं होगी, ये कवरेज हाई कवरेज है, मतलब कि इसका कवरेज बहुत अच्छा। अगर आप लोग अच्छा है तो इसमें हाई कवरेज भी क्रिएट कर सकते हैं, बट बहुत हाई कवरेज मैं नहीं करूँगी, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगी मेरी स्किन में और बिल्कुल मैच हो जाएगी। कि मुझे आप देखिएगा कि बिल्कुल भी ऐसी वाइट वाइट नहीं लगेगी, जितना आपको चाहिए उतना ही लगेगा ये थोड़ी देर में। और देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर लिया है अच्छे से ब्लेंड अपने पूरे फेस पे। दिस टाइम आई एम यूजिंग NYBA कंसीलर, और इसको मैंने अपने अंडर आई पे लगा लिया है। थोड़ा सा ये कलर मेरा करेक्ट नहीं आया है, बट फिर भी लिया है तो गाइस यूज़ तो करना ही है। तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ कर लिया है अपने अंडर आई पे, अपने जहाँ पे भी मुझे पिगमेंटेशन है माउथ एरिया के अराउंड, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करके इसको कर लिया है ब्लेंड। गाइज, मैंने और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं अपने चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ चेकआउट माई वीडियोज़ फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से जाके चेक जरूर करिएगा। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी बनाए हैं, क्रिएटिव आइडियाज़, DIY ड्रेसेस, DIY क्राफ्ट मैंने काफ़ी अच्छा अच्छा बनाया है। यहाँ पर मैंने गाइज यूज़ किया NYBA का कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एज यू ऑल नो। तो गाइज, मैं कह रही थी कि अगर आपने मेरे वीडियो चेक नहीं किए हैं तो गाइज ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा लिंक, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगे गाइज तो लाइक मत भूलिएगा प्लीज़। अब आप देखिए, मैं कर रही हूँ अपने आईब्रोज को फिल। आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी ब्रो पाउडर, एंड इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है। अगर आप लोग को ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए गाइस, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने इस पर एक सेपरेट रिव्यू वीडियो डाला है इस प्रोडक्ट के ऊपर। 2-in-1 प्रोडक्ट है, आप इसमें जेल आईलाइनर भी है एंड ब्रो पाउडर भी है। तो ये कैसा है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने कॉम कर लिया था अपने आईब्रोज़ को। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, क्योंकि वो थोड़ा सा येलो टोन में था, ये थोड़ा सा ब्राइट है, वो कलर बहुत ज़्यादा सही नहीं था मेरे लिए जो NYBA का था। तो मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का कंसीलर फिर से यूज़ किया है अपनी ब्रोज़ पे और अपने आईज़ के आसपास। देख लीजिए आप लोग, इस तरीके से मैंने अपनी ब्रोज़ को हाईलाइट किया है। अब मैं यहाँ पर कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ NYBA की कॉन्टोरिंग स्टिक। इसका कलर भी गाइस बिल्कुल ठीक नहीं लगा मुझे, हालांकि यही कलर सबसे डार्क था तो यही मैंने मंगाया था। और यहाँ पे मैं हल्की सी कर रही हूँ कॉन्टोरिंग इस तरीके से। अब मंगाई है गाइस तो स्टिक यूज़ तो करनी ही है तो देख लीजिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर ली है, और अपने फोरहेड पे भी मैंने हल्का हल्का सा अप्लाई किया है। आप लोग देख लीजिए इस तरीके से आप लोग कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से पूरी कॉन्टोरिंग को कर लिया है अच्छे से ब्लेंड, ये देख सकते हैं गाइज आप लोग। तो गाइज, आप सब जानते हैं कि मेकअप में बेस
आपको अच्छे से सेट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। यहाँ पर मैं किस ब्यूटी का बेक्ड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, इसका कलर काफ़ी डार्क है गाइस, तो इसको आप एज ए ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं, काउंटोरिंग वाले जगह पर भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है, ये वाला हाइलाइटर से थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग कर ली है मैंने। अब मैं यूज़ करी स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट, इसमें से ले रही हूँ ब्लैक कलर। टुडे आई एम क्रिएटिंग ब्लैक ब्राउन स्मोकी आइज़, आपने जैसा कि देख ही लिया होगा वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले मोटा मोटा मैंने मतलब ब्लैक आई शेडो को अप्लाई किया है, इसके बाद मैंने ब्राउन आई शेडो लिया है, उसके संग मैं उसको मर्ज कर रही हूँ। देख लीजिए आप लोग इस तरीके से प्लफी ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैंने उसको मर्ज कर लिया है। इस तरीके से करना है आपको, हल्के हाथ से करना है गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई मेकअप आप सब लोग जानते हैं कि आई मेकअप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क कर लिया है ब्राउन कलर को और मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्लैक कलर के साथ अच्छे से। यहाँ पर फिर से मैंने ब्लैक कलर को उसके संग मर्ज करते हुए कर रही हूँ मैं ब्लेंड। आफ्टर दिस मैं लाइट कलर का ब्राउन शेड लिया है उसी पैलेट में से और इसको पूरा कर ले रही हूँ अच्छे से ब्लेंड, ताकि कोई क्रीज लाइन ना लगे, बिल्कुल लाइंस आपके अलग से नहीं दिखनी चाहिए। ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आई मेकअप। इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं ब्राउन कलर को ले रही हूँ और अपने लोअर लैश पर भी, लोअर लैश कह रही हूँ, जो लोअर लैश लाइन होती है आपकी, वहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन कलर। और ब्लैक कलर भी मैंने अप्लाई किया था, अब मैं उसी में से ले रही हूँ जेल आई लाइनर स्विस ब्यूटी का, जो मैंने बताया था 2-in-1 प्रोडक्ट है। तो जेल आई लाइनर आई एम अप्लाइंग दिस टाइम, देख लीजिए आप लोग इस तरीके से मैंने उसी ब्रश की हेल्प से जेल आई लाइनर को भी अप्लाई कर लिया है। तो गाइस बहुत मुश्किल नहीं है, मैं काफ़ी इजी तरीके से मेकअप वीडियो डालती हूँ आप लोग को, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए गाइस। तो इस तरीके से आफ्टर लाइनर हम लोग लगा रहे हैं मस्कारा, और लोअर लैश लाइन पे भी मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है, ये देख लीजिए गाइस। इससे पहले मैंने एक सिंपल मेकअप लुक भी डाला, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वो बिल्कुल सिंपल मेकअप लुक है ऑफिस या कॉलेज के लिए, या नेचुरल मेकअप, नो मेकअप मेकअप लुक मैंने डाला है। यहाँ पे SFR का हाइलाइटर यूज़ किया है मैंने, अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। तो उसमें कई सारे शेड हैं SFR के, काफ़ी अफोर्डेबल है, सारी चीज़ें जो भी मैंने यूज़ करी हैं सब बहुत अफोर्डेबल हैं गाइस। और यहाँ पे मैंने हल्का हल्का कर लिया है हाईलाइट, अपने ब्रो बोन को करा है, यहाँ पे मैं चीक बोन को भी हल्का हल्का हाईलाइट कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आप लोग अगर बिगनर हैं तो भी आप लोग इस तरीके से देखकर मेरा वीडियो आप लोग मेकअप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है गाइस। तो देख लीजिए इस तरीके से मैंने कर लिया है मेकअप, सॉरी हाईलाइटर लगा लिया है मैंने। ये देखिए गाइस, इससे पहले मैंने डाला है कुछ DIY क्लोथ्स आइडियाज़, कि आप अपने पुराने कपड़े को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे नई ड्रेस में बदल सकते हैं, ऐसे मैंने दो वीडियो डाले हैं गाइस, बहुत ही मस्ट वॉच वीडियो हैं गाइस, वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने अपने लिप बाम को कर लिया है वॉश ऑफ, हटा दिया था मैंने, रिमूव कर लिया है, और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप लाइनर। स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर मैंने अप्लाई किया है। आफ्टर दिस स्विस ब्यूटी की ही लिपस्टिक है, रेड बोल्ड कलर, आई लव रेड लिपस्टिक्स। और ये देख लीजिए मैंने अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर लिए पूरे लिप्स पर, और यहाँ पर हल्का सा मैं ब्लश लगा रही हूँ, तो ब्लश मैंने लगा लिया है। बस आपका डन हो चुका है, इसके बाद आप लोग जैसा चाहें हेयर स्टाइल बना सकते हैं। और आप लोग देखिएगा कि हमारा फाइनल लुक कैसा आया है, दिस इज़ माई फाइनल लुक विद हाई बन। तो इसमें मैंने आपको 3 हेयर स्टाइल भी दिखा दिए इस मेकअप के साथ। आपको कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा इस मेकअप लुक के संग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और आप लोग भी इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो वाला क्रिएट कर सकते हैं हेयर स्टाइल। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं इसी तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के एंड होने से पहले पहले कर दिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे। तो देखा गाइज इस तरीके से आप लोग साइड वाले बाल भी रख सकते हैं, सारे बालों को कर लीजिए साइड, और या तो आप ये वाला हेयर स्टाइल रख सकते हैं। तो देखा आपने, तीनों हेयर स्टाइल के साथ आपका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।